हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस केमिस्ट्री क्लास में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। यानी एलिमेंट वो सब्सटेंस है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का, जिसको जो एक जैसे एटम से बना होता है और उसको फर्दर छोटे छोटे और भी सिंपलर सब्सटेंस में फर्दर किसी और भी सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जैसे हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर को हम ब्रेक करेंगे तो सिल्वर के मॉल्टन फॉर्म में आएगा, फिर सिल्वर को मॉल्टन फॉर्म से अगर और ज़्यादा हीट करेंगे तो भी वो सिल्वर ही रहेगा। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंस। तो एलिमेंट, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को अप्रोक्स थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने बताया, मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। ओके, तो मेटल को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, सो मेटल्स, मेटल्स के बारे में खास बात है कि मेटल्स क्या होंगे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये तीनों ही एलिमेंट्स के फॉर्म हैं। मेटल्स की अपने कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, जैसे मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, और ठीक इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज नॉन मेटल्स क्या होंगे, दे आर रिजिड, इट मीन्स क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, रिजिड होंगे, ठीक है, और गैशियस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल जो है वो एप्रोक्स नॉन लस्ट्रस, ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और मेटलाइट्स क्या होते हैं, वो इन दोनों के बीच की कैटेगरीज है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, चलिए बात करते हैं मेटल्स। ओके, तो जैसा कि क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, चाहे वो आपके नॉर्मल क्लासेस हों या हायर क्लासेस हों, दोनों के लिए एसेंशियल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर रिजिड, ठीक, ये रिजिड फॉर्म में होते हैं, यानी थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होंगे, ठीक, दे आर रिजिड, गैशियस और, ठीक, तीनों फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। क्या होंगे, मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन शीट। कैसे, सपोज करो कि यहाँ पर एक छोटी सी सिल्वर की बॉल है, एक सिल्वर की बॉल है। ओके, अब इस सिल्वर की बॉल को अगर हम क्या करें, इसको हैमर्ड करें, इसको हैमर्ड करें, यानी हथौड़ी से अगर इसको
पीटे या इसको हिट करें तो क्या होगा, यही सिल्वर एक शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यही सिल्वर एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबल। ओके, द मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। ओके, दूसरा और प्रॉपर्टी क्या है, दे आर डक्टाइल। क्या होंगे, डक्टाइल मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर। इट मीन्स ड्रॉन इन टू वायर्स, ड्रॉन इन टू वायर्स। ठीक है, सपोज करो यहां पर मैंने एक कॉपर की छोटी सी बॉल ले ली। किसकी, ये कॉपर की छोटी सी एक बॉल है। ठीक है, अब मैंने भी इसको क्या किया, इसको भी हिट करके किसमें ड्रॉन किया, कन्वर्ट कर दिया एक वायर। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम बोलते हैं डक्टाइल इन नेचर। इसमें कुछ मेटल में एक्सेप्शंस हैं, जैसे जिंक और मर्करी। जिंक इट मींस जो मर्करी है वो टेम्परेचर वेरिएबल है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट्स वाई मर्करी इज एनेबल टू कन्वर्ट इन टू वायर फॉर्म। ओके, सो वो क्या होगी, नॉन डक्टाइल। मर्करी मेटल है लेकिन वो नॉन डक्टाइल इन नेचर है। तो मेटल्स क्या होंगे, मैलिएबल, ठीक, डक्टाइल, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि मेटल्स के वायर बनते हैं। ओके, मेटल के वायर्स बनाए जाते हैं। सपोज करो ये मैं एक छोटा सा वायर का आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। आपने अपने घरों में देखा होगा कि इसी तरह के वायर के अंदर अगर जब आप वायर को थोड़ा सा छील लोगे या उसको थोड़ा सा टीयर आउट करोगे ना, टर्न आउट कर दोगे, तो आपको कुछ ऐसे वायर दिखेंगे, है ना, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यही स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मेटल्स के वायर होते हैं। अब वो वायर चाहे वो कॉपर के हों, चाहे वो एल्युमिनियम के हों, सो ऑन। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर, दे आर रिजिड इन नेचर। ओके, बात समझ में आ रही है, आई होप दैट ये बात आपको समझ में आ रही होगी। साथ में इनमें क्या होता है, मेटैलिक बॉन्ड्स। क्या होते हैं, मेटैलिक बॉन्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटैलिक। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं हम जरा सा नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। All forms. Example, अगर लिक्विड की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। नेक्स्ट, अगर गैस फॉर्म में देखें तो गैस फॉर्म में आपको क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोन इस फॉर्म में मिलेगी। और अगर आप
इसको सॉलिड फॉर्म में देखना चाहें तो सॉलिड में आपको क्या मिलेगा, डायमंड, जो एक एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का। ओके, तो मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ओके, सेकंड, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं होते एक्सेप्ट कार्बन शीट, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर भी कह सकते हो, कार्बन फाइबर की शीट भी कह सकते हो। नेक्स्ट, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ओके, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन हमारे पास ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ओके, ग्रेफाइट को आपने देखा होगा, कहाँ पर, मैं दिखाता हूँ, आपने सेल में भी देखा होगा, और इस तरह का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इस तरह की रॉड्स लगी होती हैं। ओके, जो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोड्स, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डूबी होती हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट और भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, बट मैंने एग्जांपल देखा ना तो इसलिए बात कर रहे थे। ओके, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस अमंग्स नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेटल्स कैसे नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है, मेटल मेटल से रिएक्ट करता है। केमिस्ट्री में सब चीज़ें जो बेसिक डिपेंड करती हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती हैं, वो है स्टेबिलिटी। ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू बी स्टेबल, हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए स्टेबिलिटी, यानी एटम, हर एक एटम अपने आप को क्यों स्टेबल करना चाहता है। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ इसमें एरर होगा, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मुझे इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।